एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि स्पेशल सॉफ्ट और चटपटा प्याज परांठा बनाने के लिए या प्याज की रोटी बनाने के लिए कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर हम आटा कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या ऐसा मिक्स करते हैं जिससे कि परांठा या रोटी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं हम कैसे आटा तैयार करते हैं प्याज का परांठा बनाने के लिए या प्याज की रोटी बनाने के लिए। प्याज परांठा बनाने के लिए आटा हम इस तरह बनाएंगे। ये हमने एक बड़ा बाउल आटे का लिया है, ये हमने गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स कर सकते हैं, बट मैं मिक्स नहीं कर रही। ये हमने एक कटोरी प्याज लिया है, थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, दो बड़ा चम्मच हमने धनिया पुदीने की चटनी ली है, एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका आटा हम कैसे तैयार करते हैं जिससे कि आपकी रोटी फटेगी भी नहीं। इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, ये हमने डाल दी है हरी चटनी। इसमें हम डाल देंगे करीब दो चम्मच तेल। बहुत ही चटपटा और बहुत ही सॉफ्ट आपका परांठा बनकर तैयार होगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने इस तरह से मिक्स करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। हमने ये दो प्याज काटे हैं, बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं। आप चाहें तो कटी हरी मिर्च डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही, मैंने चटनी में मिर्चें तेज डाल रखी हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से हिलाते हुए हमने इसका डो तैयार करना है, इस तरह से मिक्स करते हुए। आपने आटे को अच्छे से गूंदना है। अच्छे से जब हम आटा गूंदते हैं तो उसकी जो रोटी है या परांठा है बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है। आटा हमारा गूंथा जा चुका है। थोड़ा सा हम हाथ पे तेल लगाएंगे, तेल से ग्रीस करते हुए हम आटे को दोबारा गूंथेंगे। ये हमारा आटा बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में रख लेते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये हमारा प्याज वाला आटा बनकर तैयार है। 5 या 10 मिनट रखने के बाद आप इसकी रोटी या परांठा कुछ भी बना सकते हैं। आप इससे सिंपल रोटी भी बना सकते हैं, आप इससे तेल लगाने के बाद या घी लगा के परांठा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा बनेगा। और आपने देखा है कि मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ नहीं किए। आप चाहें तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने हरी चटनी के अंदर लहसुन भी डाला हुआ था, हरी मिर्च भी डाली हुई थी, धनिया पुदीना भी डाला हुआ था, तो उसमें बहुत तीखा था वो, मैंने इसलिए हरी मिर्च नहीं डाली। आप अपनी ज़रूरत अनुसार हरी मिर्च डाल सकते हैं अलग से। तो ये हमारा डो बनकर तैयार है, स्पेशल प्याज वाला डो। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत पसंद आएगा। आपने कभी भी प्याज की रोटी खानी हो या प्याज का परांठा बनाना हो और आपको फटने का डर हो कि परांठा बनाते हैं तो फट जाता है, तो आप इस तरह से आटा गूंद के इसका परांठा बना सकते हैं या रोटी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब बहुत पसंद आएगा। आप इसे ट्राई ज़रूर करें, नाश्ते में आप ट्राई ज़रूर करें, नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है ये। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।